हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्या एक्सरसाइज 5.6। तो 5.5 तक मेरे हिसाब से तुम सबने पढ़ लिया होगा, वीडियोस देख लिए होंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना मुझे, और सभी से रिक्वेस्ट है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर पुराने हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये PDF PPT मिलती रहती हैं, तो उस चैनल वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है ना, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी हमारे को यहाँ पे पढ़ना है। अब ये जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और मे बी वो nth टर्म का फॉर्मूला भी काम आ सकता है, दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और यहाँ पे हमें बेसिकली सम पढ़ना है। सम, अब देखो सम का मतलब क्या है कि एक एपी होगी, उस एपी में कितनी भी टर्म्स हो सकती है। तो वी कैन से सर किसी एपी में अगर टर्म्स हैं तो टर्म्स का सम करना है। तो हमें सबसे पहले, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि आपके पास एक एपी है जिसको आप ए और डी की फॉर्म में लिखते हैं, तो लिखोगे ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। यस और नो भाई, ऐसा ही लिखने वाले हो या कुछ और लिखोगे? या फिर कई बच्चे कहेंगे ये ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है और ये ए फोर है। और इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं, अप टू ए एन माइनस वन इंटू डी, और यू कैन राइट हियर इज ए एन। यस, कुछ ऐसा लिखने वाले हो। अब क्वेश्चन है तुम्हें क्या कहेगा, सम करो। तो मैंने कहा अगर फर्स्ट टर्म का सम करूं तो सम ऑफ वन टर्म एस वन रिप्रेजेंट होगा, दैट इज ऑलवेज योर ए, वो आपका ए ही होगा। अगर क्वेश्चन तुम्हें सम ऑफ टू टर्म्स बोल रहा है तो आप बोल सकते हो दैट इज ए वन प्लस ए टू। बेसिक बातें बता रहा हूँ, थोड़ी सी ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे हम इसमें। दैट इज ए प्लस डी, दैट इज टू ए प्लस डी। अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्या पता कहीं कोई क्वेश्चन में ये बात हमारे को काम में आ जाए। सम ऑफ टू टर्म्स क्या होती है, तो आपको समझना होगा कि दो ए जो होता है कॉमन टर्म डबल होता है, और उसमें एक बार कॉमन डिफरेंस ऐड होता है। ये कुछ टाइप्स की होती है। तो हमारे को सिंपली अगर मैं बात करूँ एस एन की, तो देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। वैसे जो बुक में बताया वो क्या बताया है, पहले आप एपी को सीधा लिख लो। एपी को सीधा लिखने का मतलब है ए प्लस डी प्लस, ये सेकेंड टर्म हो जाएगी, ए प्लस टू डी, ऐसे लिख लो। लास्ट में ए एन माइनस वन इंटू डी, है ना, ये होगा ए, हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप इसी एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिखो, पीछे से लिखो तो आप लिखोगे सर पहला टर्म आएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका सम करोगे तो एन टाइम्स आएगा, ये आएगा। ये आपको सबको पता है, बुक में लिखा हुआ है, वहां से देख सकते हो। मैं सिंपली तुम्हें बताता हूँ कि इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बनेगा। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है इसको समझना है। हमें क्या कह रहा है, सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन का मतलब है सम ऑफ एन टर्म्स। एन यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे आपने ए एन पढ़ा था वैसे ही है। यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे ए पुट करना है, डी पुट करना है और एन करना है। अगर क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है कि सम ऑफ 14 टर्म्स निकालो, तो आप लिखोगे एस 14 इक्वल्स टू 14 बाई टू और टू इंटू ए, ए उस एपी की फर्स्ट टर्म होगी, प्लस 14 माइनस वन इंटू डी उस टर्म का कॉमन डिफरेंस होगा। आपको इसको सोल्व कर लेना है। ये तो सिंपल सी बात हो गई। मैंने कहा अगर इस फॉर्मूले में कुछ मैं चेंज करना चाहूँ, तो आपको पता है एक होता है nth टर्म ए एन, उसको क्या बोलते हैं अपन, ए प्लस एन माइनस वन डी बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो आप अगर इस चीज को देखो, इस पूरे ब्रैकेट को देखो, तो आप इसमें देखो कि ए दो बार लिखा हुआ है, टू ए लिखा हुआ है, तो मैं इसको ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकता हूँ क्या? नहीं, बताओ भाई, दो ए को मैं दो बार अलग अलग लिख सकता हूँ। तो आप देखो यहां से लेके यहां तक आपका ए एन बन रहा है कि नहीं बन रहा? और मैं बोल सकता हूँ अगर nth टर्म लास्ट टर्म होगी इस एपी की, अंतिम एकदम लास्ट टर्म, तो आप इस फॉर्मूले में थोड़ा सा ये चेंज कर सकते हो, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ये कब काम में लेना है वो समझाता हूँ। अगर आपको कोई कहे कि आपके पास कोई एपी है 2, 4, 6 से लेकर 18 तक, तो आपको पता है इसमें 2-2 का गैप है, तो बोलेगा बताओ इस एपी का सम बताओ। तो ऐसा नहीं है कि हम पहले ए एन से एन निकाले, है ना, समझ रहे हो बात को, एन निकाले तो हमारे को एन तो चाहिए ही चाहिए। देखो ध्यान से सुनना भाई, ये थोड़ा सा हटके है एकदम। आपको अगर इस एपी का सम निकालना है तो आपको क्या चाहिए, ए चाहिए, ए है हमारे पास, ये लास्ट टर्म हो जाएगी, इसको एल बोलते हैं, बट अभी भी हमारे को ए एन तो चाहिए ही चाहिए। इसमें ए एन की क्यों हेल्प लगेगी, कोई बताएगा मुझे? यस, आप मुझे कहोगे सर देखो ए है, डी हम पता कर लेंगे। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है, इसमें हम ए डी और ए एन तीनों की वैल्यू पुट करके एन पता करेंगे, क्योंकि एस एन के फॉर्मूले में एन चाहिए। तो ये मेरी तरफ से ओवरव्यू है, इतना तो तुम्हें आना ही चाहिए। ठीक है, अगर इतना आता है तो तुम इस चैप्टर को बहुत इजीली कर सकते हो। चलो नाउ अगर हम बात करें कि सर एस एन के फॉर्मूले से किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं पहले तुम्हें एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज बड़ी है मुझे पता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा,
बट तबीयत सही रही और आप सभी का प्यार बना रहा, तो हम जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ दी एपी। इस एपी की 20 टर्म्स का सम निकालो। तो आप कहोगे देखो हमारे पास एपी क्या है, मैं फिर से तुम्हें कह रहा हूँ, मैं एकदम बेसिक से बातें आराम आराम से बताता हूँ। अगर आपको कुछ आता है थोड़ा बहुत, आपके बेसिक नॉलेज अच्छे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्पीड बढ़ा के देख लो। बट अगर कोई बच्चे की बेसिक्स कमजोर हैं या उसको लगता है कि यार कोई तो मेरी हेल्प करे, है ना, कि बेसिक से बताए, मेरे को हर एक पॉइंट बताए, तो ये चैनल आपके लिए बहुत काम का है। ऐसे दोस्तों को आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। तो बताओ बच्चा एपी क्या है? एपी है 1, 4, 7, 10। क्लियर है? यहाँ पे आपको कह रहा है कि 20 टर्म्स का सम निकालना है, तो एन कितना निकालना है अपने को? 20। तो एस एन के लिए आपको ए चाहिए, तो ए कितना है बताइए, दैट इज 1। डी कितना है आपका? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 3। हमारे पास एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैं बार बार बोलूंगा, बार बार सुनोगे, इतने में फॉर्मूला याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। हमें S20 निकालना है, तो आप लिखोगे S20 = 20 बाई 2, 2 टाइम ऑफ 1 प्लस 20 सॉरी 20 माइनस 1 इंटू 3। क्लियर है यहाँ तक? ना, ये हो जाएगा 10 ब्रैकेट में 2 प्लस 19 इंटू 3। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैं कैलकुलेटर की हेल्प ले लेता हूँ। हमारे को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई मैं कैलकुलेटर से इसलिए करता हूँ ताकि मिस्टेक होने के चांस कम हो। ठीक है, दैट इज 10 इंटू 2 प्लस 19 इंटू 3 इज 57, दैट इज 10 इंटू 59, इट इज 590। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर एपी की 20 टर्म्स का सम कितना होगा? 590। उम्मीद करता हूँ तुम्हें तो समझ में आया होगा। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थोड़े तो बने रहो, समझ में आ जाएगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं छोड़ेंगे हम कि तुम्हें समझ में नहीं आए, है ना, ऐसा कुछ नहीं छोड़ेंगे कि तुम्हें समझ में नहीं आए, बस वीडियो को देखते रहना, सब समझ में आ जाएगा। नाउ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन एपी। कोई एपी होगी, हमें नहीं पता वो एपी क्या है, उस एपी की आपको 30 टर्म्स का सम निकालना है। S30 पता करना है आपको। हमने कहा कर लेंगे, बताओ क्या है आगे। हुज सेकेंड टर्म इज 2, मतलब उस एपी की सेकेंड टर्म कितनी है? 2। एंड सेवंथ टर्म इज 22। ओके, इसका मतलब प्रीवियस एक्सरसाइज आनी चाहिए हमारे को। मैंने कहा हाँ, 5.4 तो जरूर आनी चाहिए, 5.5 भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए तुम्हें, 5.5, 4 और 5 दोनों आनी चाहिए। तो आपने कहा ए टू क्या होता है? मैंने कहा अगर इस एपी का फर्स्ट टर्म ए ले लूँ और कॉमन डिफरेंस डी ले लूँ, तो ए टू बनेगा ए प्लस डी। फर्स्ट टर्म तो ए ही होता है ना, तो ए प्लस डी इक्वल्स टू 2 दे रखा है, और यहाँ पे बोलूंगा ए प्लस 6d मुझे 22 दे रखा है। मैंने कहा इसको सोल्व करो, इस इक्वेशन को उसके नीचे लिख दो भाई, ए प्लस डी इक्वल्स टू 2, दोनों को माइनस कर लो, माइनस माइनस माइनस, ए से ए कट जाएगा, बचेगा 5d इक्वल्स टू 20। तो d की वैल्यू कितनी आएगी? 20 बाई 5 इज 4। अब ये 4 है या यहाँ रख दो, तो ए प्लस 4 इक्वल्स टू 2, तो ए इक्वल्स टू 2 माइनस 4, इट इज -2। आपके पास एक एपी है जिसका ए आपके पास -2 है और डी आपके पास 4 है, तो बताइए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे एन बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। मैंने कहा वैल्यू पुट करो, तो S30 = 30 बाई 2, 2 इंटू 2 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 4, ये हो जाएगा 15, 2 2 जा 4 प्लस 29 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 15, 4 प्लस 29 इंटू 4 कर लेते हैं, 229 इंटू 4 होता है 116। तो आप बोलोगे दिस इज 15 इंटू 120। तो मैं अगर 120 को 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है 1800। क्या आता है? 1800। आंसर चेक कर लो, नहीं 1600 कुछ और आ रहा है, हमने कुछ गलती की है। हाँ, सॉरी 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 सॉरी, मैं इसको इरेज करता हूँ, आपको पता चल गया होगा, आप बता नहीं पा रहे हैं, सॉरी उसके लिए। देखो भाई यहाँ पे आपके पास बस यहाँ गलती कर दी मैंने, 2 इंटू a की जगह -2 रखना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे -2 रखूंगा, तो मेरे पास बनेगा 15 माइनस 4 प्लस 29 इंटू 4, और ये हमारा कितना आया था? 116 आया था क्या? 29 इंटू 4 कितना आया था? 116 आया था, यस। तो 15 माइनस 4 प्लस 116, तो ये आ गया था 15 इंटू 112,
और 15 × 112 कितना होता है, 1680 होता है, तो आंसर आया 1680। ये छोटी छोटी गलतियां मेरे से हो रही हैं, इसका मतलब मैं देखो गलतियां कई बार क्या होती है, ज्यादा बड़ी गलती हो जाए 2 मिनट 5 मिनट तब तो मैं उसको हटा देता हूँ वीडियो को, बट जब छोटी छोटी गलतियां होती है मैं हटाता नहीं हूँ, ताकि तुम्हें याद रहे कि ऐसी गलती सर से हुई है, मे भी हमसे भी हो सकती है, हम भगवान थोड़ी ना यार। उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट करके बता देना मुझे, माइक नीचे गिर गया था है ना, तो आवाज थोड़ी कम आ रही होगी बट एडजस्ट कर लेना। नाउ नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो सर नेचुरल नंबर कौन से होते हैं पहले बताओ मेरे को, नेचुरल नंबर होते हैं, ये फॉर्मूला बन जाएगा एक, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, विच आर स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4 डॉट 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 एन तक, ठीक है। तो हमने कह रहा है कि ए कितना है इस एपी का 1, डी कितना है, डी हमेशा 1 + 1 हो रहा है सब नंबर में, तो एस एन निकालना है, फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d, यही होता है n/2, n पता नहीं, 2 × 1 + n-1 × 1, दिस इज n/2 2n + n-1, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे यही बचा, तो आप इसको लिखोगे n/2 2n + n-1, तो दिस इज n/2 3n-1, और n/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज, और 2 नीचे रखेंगे दोनों के तो ये हो जाएगा n, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ठीक है ना, n को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3n² - n/2, ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 3n² या फिर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर दिया मैंने, कुछ गलती कर दी क्या, अच्छा 2n लिख दिया मैंने, अरे यार क्या कर रहा हूँ सर, आप का करना का चाहते हो, तो हमने कहा ये है 2 + n-1 n+1, तो यहाँ से ये आएगा n+1, ठीक है, तो अब आप इसको मे बी n × n+1/2 लिख सकते हो, या फिर तुम्हारा मन करे तो n² + n/2 भी लिख सकते हो, ये एस एन है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलो अब गलतियाँ नहीं करते हुए अगली बातें करते हैं, इफ द nth टर्म ऑफ एपी इज दिस, ए एन आपके पास किसी एपी का 2n+1 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी, तो आप कहोगे देखो सर अगर ए एन ये है और मुझे आप एस एन पूछ रहे हो, तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d, ये होता है, आप एन पूछ रहे हो तो चलो एन तो नहीं पता बट ए और डी तो चाहिए, मैंने कहा हाँ ए एन से मैं ए वन निकाल सकता हूँ, बोले हाँ दैट इज 2 + 1 = 3, ए टू निकाल सकता हूँ, मैंने कहा एन की जगह 2 पुट कर दो, 2 × 2 + 1 दैट इज 4 + 1 = 5, अगर मैं ए थ्री निकालना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, मैंने कहा 2 × 3 लिखो +1 दैट इज 6 + 1 = 7, तो इसके पास आपके पास एक एपी बन के आ गई है nth टर्म की हेल्प से, दैट इज 3, 5, 7 डॉट और डॉट nth टर्म लिख दोगे 2n+1। अब आप बताओ इस एपी का ए कितना है 3, डी कितना है 5 - 3 = 2, आपके पास ए भी है डी भी है और nth टर्म भी है दैट इज लास्ट टर्म, तो आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगाओ a+l वाला या फिर ये लगाओ, देखो दोनों लगा के दिखाता हूँ, आप बोलोगे n/2 2 × 3 + n-1 × 2, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नाउ n/2 3 × 6 + 2n-2 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो n/2 × 2n+4, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2n + 4 × n/2 भी लिख सकते हो, ये आंसर आ रहा है क्या, n × n+2/2 नहीं आ रहा भाई, अच्छा 2 का अंदर डिवाइड कर दिया इसने, चलो हाँ ब्रैकेट के अंदर डिवाइड कर लो या कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो n+2 बचेगा (n/2), तो ये आ गया n × n+2। चलो ये तो हमारा क्या हुआ कि सर हम ट्रेडिशनल मेथड पूरे प्रोसेस से लग रहे हैं, मेरे को एक रूल पता है कि एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 × a+l, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को nth टर्म भी बोल दोगे यहाँ पे, तो आप इसको लिखोगे n/2 × 3 + 2n+1, ये लिखूंगा क्या भाई, तो आप बोलो क्या लिखोगे n/2 3 + 2n+1 लिखोगे, तो दिस इज n/2 × 2n+4, और बताओ ऐसा ही कुछ बन रहेगा, तो आप देखो इसमें क्या कर सकते हो, इसमें से आप 2 कॉमन ले लो इस ब्रैकेट में से, तो n/2 × 2 × n+2, 2 से 2 काट दो तो वापस आपके पास क्या आ गया n × सॉरी नीचे लिख देता हूँ n × n+2, क्या वही आया, तो दोनों फॉर्मूले समझ लो, ठीक है, आपका मन करे वैसे अप्लाई कर देना यार, देखो मेरा काम पढ़ाने का है, मैं वीडियो बड़े बनाऊंगा भाई, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सर सारे बच्चे देखें, है ना, चलो नाउ नेक्स्ट देखो फिर,
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी की फर्स्ट 20 टर्म्स को, मतलब एन की वैल्यू 20 है तो आपको एस 20 निकालना है, फर्स्ट 20 टर्म्स, ध्यान से सुन लेना ये वर्ड बड़ा काम का है, फर्स्ट। इन विच थर्ड टर्म इज 7, तो ए 3 7 है, एंड सेवंथ टर्म इज 2 मोर देन थ्राइस ऑफ थर्ड टर्म। सेवंथ टर्म क्या है, दो ज्यादा है, किससे, थ्राइस ऑफ थर्ड टर्म से, तो थ्राइस ऑफ थर्ड टर्म से दो ज्यादा है। ये तो 5.4 लगा रहा है पूरी की पूरी, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमें तो आती है 5.4। नाउ A3 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस टू डी, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, देन यू कैन राइट A3 इज ए प्लस टू डी इज 7। बट A7 के लिए आप क्या लिखोगे, ए प्लस 6D इक्वल्स टू 3 इंटू ए प्लस 2D प्लस 2 लिखोगे। सोल्व करो, दिस इज 3A प्लस 3 टू 6D प्लस 2, यहाँ पे ए प्लस 6D, तो 6D से 6D कट जाएगा, दोनों सेम साइन के हैं, तो 2 इधर ले आओ, 3A इधर आ जाए, ए इधर आ जाएगा, तो 2 इक्वल्स टू 3A माइनस ए, तो 2 इक्वल्स टू 2A, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इस एपी में A1 है, अब A1 यहाँ पुट कर दो तो 1 प्लस 2D इज 7, तो यहाँ से हो जाएगा 2D इक्वल्स टू 7 माइनस 1, तो 2D इक्वल्स टू बच्चा 6, D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/2 इज 3। एक एपी है जिसका A1 है D3 है, बताइए इसकी 20 टर्म्स का सम क्या होगा। तो आपने कहा S20 का फॉर्मूला हो जाएगा 20/2 टू टाइम ऑफ ए दैट इज 1 प्लस 20-1 इंटू डी इज 3। फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर दिया, फॉर्मूला ये रहा, अगर किसी को फॉर्मूले की दिक्कत है तो N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। यस, नाउ ये हो जाएगा 10 2 प्लस 19 इंटू 3, ये हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 19, 3 जा 57, अभी किया था थोड़ी देर पहले, ठीक है ना, तो नाउ दैट इज 10 इंटू 59, इट इज 590। आंसर क्या आ गया, 590, जो हमारा गलत आ रहा है, ठीक है, कहाँ गलती कर दी भाई, D3, ठीक है, A3 7 है, ओके ओके, 2 को मैं इधर लेके आया, माइनस 2 हुआ था, माइनस 2 तो ये माइनस 1 आएगा, तो यहाँ पे माइनस 2 करो, यहाँ पे भी माइनस 2 करो, और माइनस 2 करने से यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ा, ओहो गलती हो गई, तो बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या बात है अनुप सर, आज तो आज पहले पहले एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स में ही गलतियाँ करने लगे। ए की वैल्यू माइनस 1 है, इसको हटा देते हैं एक बार यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से 4 3 ये सारा हटा लेते हैं, कोई नहीं कोई नहीं, अभी आधे बचे तो चले गए होंगे, कुछ कमेंट करेंगे, अरे सर आप तो गलत पढ़ाते हो, ये पढ़ाते हो, क्योंकि पिछले वाले कुछ वीडियोज़ में हुआ था इसलिए मैंने वो गलतियाँ हटानी बंद कर दी थी, बट कुछ कमेंट्स आए कि सर कोई दिक्कत नहीं है, गलतियाँ दिखाया करो, हमें हमारी गलतियाँ याद रहे फिर, तो मैंने कहा ए की वैल्यू यहाँ से आई है -1, यहाँ पुट करो तो -1 प्लस 2D इक्वल्स टू 7, तो 2D की वैल्यू आ जाएगी 7+1, यू कैन राइट D की वैल्यू आएगी 8/2 इज 4, D4 है, ए -1 है, तो यहाँ पे -1 पुट कर दो और यहाँ पे 4 पुट कर दो, तो आएगा 10 इंटू -2 प्लस 19 इंटू 4, 10 इंटू -2 प्लस 36, 3 76 हो जाएगा, तो 10 इंटू 74 दैट इज 740, अब तो सही आ जाए 740, हाँ अब सही आ रहा है, क्लियर है, चलो और गलतियां ये थोड़ी थोड़ी ध्यान रखना भाई, ट्रांसफॉर्मेशन करने पे भी कुछ गलतियां हो सकती हैं तुमसे। नाउ नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 6, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 42, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, इसका मतलब S6 दे रखा है तुम्हारे को, सम ऑफ 6 टर्म इज 42, क्लियर है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म, तो A10 और रेशियो किसके साथ बना रहा है, A30 के साथ, कितना बना रहा है, 1:3 बना रहा है, कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 13th मतलब A1 और A13 पूछ रहा है तुमसे, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, यही पूछ रहा है क्या, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, हाँ यही पूछ रहा है, नाउ बताइए एपी का क्या है। अब ये क्वेश्चन है ना, ये कुछ अब मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा एडवांस बनते जा रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 5 के आप वीडियो को अभी रोक कर दोबारा से प्रैक्टिस कर लो, खुद रफ नोटबुक में लिख के कर लो, और फिर भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को देखकर दोबारा कर लो, देखो एक बार ही पढ़ना है, मैं वीडियो बड़े बना के यही समझाना चाह रहा हूँ, एक बार पढ़ लो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगे हमारे को कुछ चीज़ें समझने में। नाउ अब मुझे बताओ S6 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, आप बोलोगे S6 का मतलब होता है, SN का मतलब होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी, ये होता है, तो बताओ S6 का मतलब क्या होगा, तो आप बोलोगे 6/2 2A प्लस 6-1 इंटू डी,
डी नहीं पता मुझे, और एस सिक्स की वैल्यू मुझे दे रखी है 42 इक्वल्स टू, ये आएगा 3 2A प्लस 6D माइनस सॉरी 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 6D नहीं 5D हो जाएगा ये डायरेक्ट 5D। अब मैं 3 का डिवाइड कर लेता हूँ तो 42/3 इक्वल्स टू 2A+5D, तो मुझे बताओ 2A+5D की वैल्यू कितनी आएगी, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 14। एक इक्वेशन बन गई ए और डी के अंदर। ओके, सम से भी इक्वेशन बनेगी, मैंने कहा हाँ यही तो बनवाना चाहता है। और एक आप इस रेशियो को क्या लिखोगे, A10/A30 क्या होता है, 1/3 होता है। मैंने कहा A10 क्या होता है, आपने कहा A+9D होता है, मैंने कहा A30 क्या होता है, A+29D होता है, इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into A+9D इक्वल्स टू 1 into A+29D। चलो दिस इज 3A+9, 3 जा 27D इक्वल्स टू A+29D। ओके, ए इधर ले आओ और 29 भी इधर ले आओ, तो 3A-A+27D-29D इज 0। तो इक्वेशन क्या बन गई, 2A-2D इज 0। मैं कॉमन नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरे को काम आ रही है ये दूसरी इक्वेशन, इसके नीचे लिखने पे 2A+5D इक्वल्स टू 14। मैं दोनों के साइन चेंज कर लेता हूँ, माइनस 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 ये तो कट जाएगा और ये बन जाएंगे माइनस के 7D इक्वल्स टू -14, तो D की वैल्यू आ जाएगी -14/-7, इट इज +2। D कितना आ गया, +2। अब आपको A निकालना है तो चाहे तो आप इसमें पुट कर लो, चाहे आप इसमें पुट कर लो, मैं इसमें ही कर लेता हूँ A के लिए। तो मैं लिखूंगा 2A-2 into 2 इज 0, तो यहाँ से 2A-4 इज 0, तो 2A की वैल्यू क्या आएगी, 4। A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/2, इट इज 2। आपके पास एक एपी है जिसका डी 2 है और ए भी 2 ही है, तो आपको पता चल गया, ए तो पता चल गया, हमें A13 निकालना है, तो क्या मैं A13 को A+12D लिख सकता हूँ, बोले हाँ। तो यहाँ पे आएगा 2+12 into 2, तो इट इज 2+14, दैट इज 16। तो आपका A13 कितना आ गया, 16। ओके 26 आ रहा है यार, 12 2 जा 14, अरे यार छोटी सी गलती के चक्कर में आंसर गलत हो गया, 12 2 जा 24 होता है यार, सॉरी 14 कर दिया मैंने, तो दैट इज 26, तो आंसर 26A2। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ये एग्जाम ये क्वेश्चन 2009 में आया हुआ है CBSE में, तो उम्मीद करता हूँ इजी क्वेश्चन था, बस तुम्हें एसेंस से इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, बाकी ये वाला तो करना आता है यार हमें, हमने पहले बहुत बार किया है इसको, तो बस ये वाला सीखना ये तुम्हारे लिए नया है, और तो कुछ नया है नहीं, ये इक्वेशन निकलना और इससे ए और डी निकालना भी तुम्हें आता है, ठीक है ना, कुछ नया नहीं है, ये बात को समझो बस, बस ये समझ लो, ठीक है। नाउ फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाय 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इजी, क्योंकि 5.4 में कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। तो सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स, तो ऑल 3 डिजिट्स का मतलब पहला 3 डिजिट नंबर 100 और लास्ट 3 डिजिट नंबर 999, और जो डिविजिबल हो 7 से, तो इसमें तो बहुत सारे नंबर अभी तो नहीं है, बट हम पहले बात करेंगे 100 में, अगर मैं 7 का डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 7 1 जा 7, माइनस किया 30, 7 4 जा 28, तो माइनस किया 2। अब ये क्वेश्चन मेरे को डिवाइड इतना कह रहा है कि 100 में से 2 कम कर दो, तो 98 ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। मैं आपको बता देता हूँ, 98 में अगर आप 7 का डिवाइड करते हो तो 14 टाइम जाता है, बट हमें 100 से आगे एक ऐसा नंबर चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो, तो हमने यहाँ से पता किया, यहाँ से बता रहा है कि नंबर में 5 की कमी है, अगर 7 का डिवाइड करना चाहते हो तो पहला नंबर आपका 105 बनेगा, तो दूसरा क्या बनेगा, मैंने कहा 7 ऐड कर ले यार, तो 112 बनेगा। तो आप कहोगे चेक करा के बताओ 112 में अगर हम 7 का डिवाइड करें तो कितनी बार जा रहा है, मैंने कहा 16 टाइम, 105 में 15 टाइम। ओ तो नाउ बोले 919 क्या 7 से डिविजिबल है, मैंने कहा डिवाइड कर ले भाई, 999 में 7 का डिवाइड कर लो, तो 7 1 जा 7, माइनस किया आया 29, 7 4 जा 28, माइनस किया आया 1 और 9, आगे वाला 9, 7 2 जा 14, माइनस किया तो 5। बोले इस नंबर में 5 ज़्यादा है, तो आगे तो नहीं जाना, पीछे आना है, तो 5 कम कर दो, तो मैंने कहा एक नंबर बनेगा यहाँ से डॉटेड डॉटेड करके 994। तो बोले 994 क्या 7 से डिविजिबल है, मैंने कहा यस, 994 142 टाइम 7 से डिविजिबल है। तो आपके पास एक एपी बन गया है, इस एपी का आपको सम निकालना है बस, सम ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। तो आपने कहा इस एपी में ए है 105, डी हमारे पास 7, और ए एन जिसको हम एल भी बोल सकते हैं इस एपी का, दैट इज 994।
तो अगर आपको एस एन निकालना है तो आप बोलोगे एन की जरूरत नहीं है, नहीं है क्या? नहीं है सर। तो एस एन में फॉर्मूला होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल, बट आपको एन तो चाहिए, तो आपने कहा ए एन कितना है 994, तो हम बोल सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी कितना होगा 994। अब हमारे को डी पता है ए पता है, पुट करेंगे तो 105 प्लस एन माइनस वन इंटू डी है 7 इक्वल्स टू 994। क्लियर है क्या? नाउ अब बताओ 105 और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 105 प्लस 7 एन माइनस 7 इक्वल्स टू 994। 105 में से 7 माइनस करोगे तो 98 प्लस 7 एन इक्वल्स टू 994, तो 7 एन इक्वल्स टू आएगा 994 माइनस 98। तो मैं इसको माइनस कर लेता हूँ, 994 माइनस माइनस 98 दैट इज 896। तो 7 एन इक्वल्स टू 896, तो एन की वैल्यू आ जाएगी बच्चा 896 डिवाइड बाय 7, और मैं 896 में डिवाइड कर देता हूँ 7 का आंसर आ गया 128। एन की वैल्यू कितनी है 128, मतलब 128 ऐसे नंबर है जो 3 डिजिट है और 7 से डिविजिबल भी है। तो हम ये नीचे वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं 128 डिवाइड बाई 2, ए कितना है 105 प्लस एल कितना है एल 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 994। तो हम बोलेंगे इसमें इसका डिवाइड जाएगा, 2 का डिवाइड से ये काटो 128, तो आएगा 64 इंटू 105 प्लस 994 इज इक्वल टू 1099 दैट इज 1100 से 1 कम इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 64 से, तो आंसर आ गया 70,336, 70,336। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 70,306। देखो बिना गलती के समझा दिया है मैंने तुम्हें। तो ये टाइप के क्वेश्चन देखो किए हुए तो हमारे हैं, बट अभी हमारे को कुछ लॉजिक समझना है कि हमारे पास दो फॉर्मूले हैं कंफ्यूज करने के लिए, ऊपर वाला लगाते तो कैलकुलेशन बढ़ती, नीचे वाला लगाया कैलकुलेशन कम हो गई, तो बस ये समझना है। सर लास्ट टर्म पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो और डी पता हो तो एन निकालना जरूरी है? मैंने कहा जरूरी है, एन के बगैर ऐसा नहीं आ सकता। ठीक है अब तुम्हारे को क्वेश्चन ने भी एन निकाल के दे रखा है, क्लियरली मेरे को ये बातें थ्योरी वाली जो बातें इसने लिखी हुई वो समझाने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000। 250 और 1000 के बीच में ऐसे नंबर बताओ जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 हैं और उनका सम बता दो। तो हमने कहा देखो भाई 250 नहीं है और 1000 नहीं है, इनके बीच की बातें कर रहा है। तो आपने कहा 250 में 3 का डिवाइड अगर हम करें तो क्या आता है? मैंने कहा देखो डिवाइड दिखाता हूँ, 8 3 जा 24 होता है, माइनस करो तो 10 आएगा, 3 3 जा 9 होता है, माइनस करो तो 1 आएगा। इसका मतलब एक पीछे तो या फिर दो आगे, इसका मतलब क्या है 250 से एक पीछे या फिर थ्री टू आगे, टू आगे। तो हमने कहा 252 ले लेते हैं, 252 ही लेंगे हम, क्यों लेंगे भाई? अब ये बात मत पूछना यार बार बार मेरे से, सर 252 क्यों लिया? ठीक है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 252 में 3 का डिवाइड जा रहा है, यस पूरा जा रहा है 84 टाइम। तो हमने कहा आगे वाला नंबर 255 होगा, उससे आगे पता नहीं करना, और लास्ट टर्म पता कर लेते हैं। हमने कहा 1000 में 3 का डिवाइड करके देख लेते हैं भाई क्या बोलता है ये, 3 3 जा 9 10, 3 3 जा 9 10, 3 3 जा 9, मतलब कह रहा है कि एक नंबर ज़्यादा है। तो हमने कहा कम कर लो, तो कितना आएगा 999। तो ये आपके पास वापस वैसा ही क्वेश्चन बन गया जिसमें ए आपका 252 है, डी आपका 3 है, और ए एन जिसको आप एल बोलते हो वो आपका 999 है। ये ए एन का नया नाम निकाला था कि ए एन एक बार अमेरिका घूमने गया तो उसको बोले ओ एल, तो एल बोल दिया उसको। ठीक है तो नाउ ए एन का नया नाम क्या है, एल, क्या है एल। नाउ आप बताओ आपको एस एन निकालना है तो पहले ए एन की हेल्प से एन निकालोगे कि नहीं निकालोगे, बताने की जरूरत नहीं है, क्यों क्यों जरूरी पड़ी? तो आप कहोगे जरूर निकालेंगे। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी 999 है, ए कितना है 252 है, प्लस एन माइनस वन इंटू थ्री इक्वल टू 9999, तो दैट इज 252 प्लस 3n, कितना हो जाएगा भाई 3n माइनस 3 इक्वल टू 999। तो 252 माइनस 3 करेंगे तो 249 आएगा, प्लस 3n इक्वल्स टू 999, तो
तो यहाँ से 3n की वैल्यू आ जाएगी 999 माइनस 249, तो 999 माइनस 249 इज 750, तो n की वैल्यू आ गई 750/3, तो इसमें 3 का डिवाइड कर दो भाई, 3 का डिवाइड किया तो 250, n 250 आ गया है हमारा। तो अब आपको एस एन लगाना है, दैट इज एन पता है हमारे को 250, तो एस 250 का फॉर्मूला हो जाएगा 250/2 इंटू ए प्लस एल, दैट इज 252 प्लस 999। अब आप 250/2 और इसका सम करता हूँ मैं, 252 प्लस 999 1251 आ रहा है। अब 252 में 2 का डिवाइड करोगे 125 आएगा इंटू 1251, तो 1251 इंटू 125 इज 156375, 156375 ये इसका आंसर आ जाएगा, 1,56,375 इज द सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 200 एंड 1000 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स बिटवीन 2 एंड 100 डिविजिबल बाय 3। ओके, तो हम बोल सकते हैं ओड लेने हैं और जो डिविजिबल बाय किससे हो, 3 भी हो, ध्यान से सुन लेना, ओड भी लेने हैं और 3 से डिविजिबल भी हो। तो आपने कहा देखो एक नंबर है 2, 2 के बाद एक लास्ट में नंबर है 100। क्लियर है, देखो 2 और 100 आपको पता है सर, 3 से डिविजिबल नंबर पहला नंबर 3 होता है, आप 2 में 3 का डिवाइड करके देखोगे तो 0 टाइम जाएगा, है ना, तो क्या आएगा 3 0 आएगा, माइनस करोगे 2 आएगा। अब ये क्या कहना चाह रहा है, या तो 2 पीछे चले जाओ, 2 से 2 पीछे जाओगे तो 0 जो 3 से डिविजिबल होगा, या फिर 1 आगे चले जाओ। तो हमने कहा भाई पहला नंबर तो 3 आ गया, तो आपको ही पता है 3 की टेबल में आने वाले नंबर्स कौन से, तो 3 के बाद 6, 3 जा 9, 9 के बाद में, अरे बताओ 9 के बाद में 12, 15, 18 ऐसे नंबर्स होंगे, और लास्ट में कौन आएगा भाई साहब, 99 आएगा। बट क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है ओनली ओड, देखो अगर वो तुम्हें कहता है 2 से 100 के बीच में इवन नंबर ले लो, या सॉरी इवन नहीं बोल रहा मैं, ऐसे बोल रहा हूँ, अगर आपको कहता है कि सारे नंबर्स का सम कर दो 2 से लेके 100 के बीच में, तो 3 से डिविजिबल है, तब तो ये ठीक था, ये भी ठीक थी अपनी। बट वो हमें कह रहा है कि ओड ही होने चाहिए, तो मैंने कहा इसमें से ओड ओड छांट लो एक बार, तो आप कहोगे 3 फिर 9 फिर 15 और इसके बाद आएगा 21 और लास्ट में 99, तो है ही ओड ही है बेचारा। तो आप बोलो देखो 3 से लेके 9, 9 से 15, 15 21, अब 21 के बाद में किसको लेंगे अपन, वो अभी बता देता हूँ। देखो ए कितना है इस एपी का, 3, और डी कितना है इस एपी का, 9 - 3 इज 6, मतलब 6 है, तो 21 के बाद में डायरेक्ट 27 ही तो आ रहा है। अरे वाह, अगर इवन पूछता, देखो अभी ओड का है और इवन पूछ लेता, तो तुम क्या लेते सर, पहला नंबर लेते 3 और 6 सॉरी, फिर 12 फिर 18, तो इस टाइम पे भी क्या आता, लास्ट में क्या लेते, और 3 कम कर लो भाई 96, तो ये लेते, ठीक है ना, दोनों का कर सकते हो। ये तुम करके मुझे कमेंट करके बताना कि इसका सम कितना आ रहा है, क्वेश्चन नहीं है हमारी एक्सरसाइज में, बट हम समझेंगे यार, हमारा काम पढ़ने का है। तो नाउ आपके पास ए भी है और डी भी है, अब आपको एन पता करना है, तो आप बोलोगे ए एन जिसका लास्ट का नाम एल इज 99, तो पहले ए एन से निकाल लेते हैं एल, एन एन -1 इंटू डी इक्वल्स टू 99, ए कितना है 3 प्लस एन -1 इंटू 6 इज 99, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6n - 6 इज 99, तो दैट इज 6n - 3 इज 99, तो एन की वैल्यू, और 6n की वैल्यू आ जाएगी 99 + 3, तो n की वैल्यू आएगी 102/6, तो 6 × 6 6 × 7 = 42, तो n वैल्यू आ गई 17, n कितना आ गया तुम्हारा 17। अब आप ऐसे n लगाओगे तो आप लिखोगे डायरेक्ट n/2 a + l सीधा, ठीक है, तो n/2 और 17/2 हो ही नहीं रहा सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, घबरा क्यों रहे हो यार, 3 + 99, तो ये आएगा 17 × 102/2, तो ये आ गया 61, 17 × 61, क्लियर है ना, 102 61 नहीं नहीं सॉरी 51 51 सॉरी 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 51, नाउ 17 × 51 कर लेते हैं, आंसर मैच कर देना चाहिए, 51 करोगे तो आंसर 867 आ रहा है, एकदम सही आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है 867। क्लियर है, समझ में आया,
आया कि नहीं आया मुझे जरूर बताना, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं लास्ट आज के वीडियो के एग्जाम्पल नंबर 10 की। इफ द रेशियो ऑफ 11th टर्म ऑफ एन एपी टू द 18th टर्म इज 2:3, तो हमारे कहा A11 रेशियो विथ A18 इज 2:3। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ 5 टर्म एस आर 5, रेशियो है S10 के साथ, पता करो, ये पता करो रेशियो कितना आएगा। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी कर देते हैं। हमने कहा ये दे रखा है, बोले हाँ, ये क्या है, ये है A+10D अपॉन A+19D इज कितना, 2/3। क्लियर है यहाँ तक? नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3 × A+10D इक्वल्स टू 2 × A+19D, ठीक है। ये आएगा 3A+30D इक्वल्स टू 2A+19 × 38D। इधर ले आते हैं, 3A-2A+30D-38D, ठीक है, इज 0। तो यहाँ से A-8D इज 0, तो आप बोलोगे A की वैल्यू आ गई 8D, ये 0 है भाई, A नहीं है, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 8D। अब फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो रेशियो पूछ रहा है, तो ये ऐसे पूछ रहा है क्या, S5 अपॉन S10 कितना होगा। तो मैंने कहा देखो, ये हम LHS पार्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है, RHS आ जाएगा। S5 को मैं लिख सकता हूँ N/2 के फॉर्मूले, देखो SN का फॉर्मूला होता है N/2 2A+N-1 × D, ये होता है। तो बताओ S5 को क्या लिखूंगा मैं, S5 को लिखूंगा यहाँ पे 5/2, ध्यान से देख लेना, 2A मुझे नहीं पता, प्लस 5-1 × D। S10 को क्या लिखूंगा मैं, 10/2 2A+10-1 × D। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो 5/2 तो कुछ नहीं होगा, 5/2 ही रहने वाला है बेचारा, ये हो जाएगा 2A+4D अपॉन, ये हो जाएगा 5, 10 के अंदर 2 का डिवाइड, 2A+9D। देखो ये जो 2 है, ये इन दोनों 2 को काटेगा अंदर, तो 2 बचेगा ना, तो आप ऊपर लिखोगे 5 × A+2D अपॉन 5 × 2A+9D, सही है यहाँ तक, 5 से 5 भी कट गया, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है A+2D अपॉन 2A+9D। आपके पास A की वैल्यू है, पुट कर दो, कितनी है 8D, तो यहाँ पे पुट करोगे, तो यहाँ पे, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, A की वैल्यू कितनी पुट करनी है 8D, तो ऊपर तो 8D रहेगा प्लस 2D, नीचे A की वैल्यू 8D पुट करोगे तो 16D बन जाएगा क्या, 16D+9D, 8+2 10D, 9+16 तो 25D, D से D काट दो तो 10/25 आया, दोनों नंबर्स को 5 से काटोगे तो 5 × 2 = 10 और 5 × 5 = 25, तो आंसर आ गया 2:5, ये हमारा आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, 2:5, तो आंसर यही आ रहा है। ओहो क्वेश्चन में तो कुछ और ही आ रहा है, 6:17 आ रहा है, कुछ गलतियां कर दी क्या अपन ने, 5 टर्म्स का और 10 टर्म्स का 2A+2 से 2 काट दिया, A+2D, और इसने डायरेक्ट 4D पुट किया था, तो नीचे 2 दिखा रहा है, 10/2 5 आता है, 5 से 5 कटेगा, 1 मिनट रुक जाओ भाई मैं चेक कर लेता हूँ। ओके अपन ने गलती कहाँ की है, देखो यहाँ कर दी, 18D होता है यहाँ पे, 19D लिख दिया हमने, ठीक है 18D, तो अब 18D होता तो यहाँ पे आप कहते 18 होता, यहाँ पे होता 36, ठीक है, सॉरी सॉरी 18 भी नहीं होता, 17 होता है यहाँ पे, कितना होता 17, तो इस 38 को हटा लेते हैं एक बार, ये लाइन हटा लेते हैं, ठीक है। तो नाउ ये देखो, अगर यहाँ पे 17D होता तो आप लिखते 17D, 17 × 34, तो यहाँ पे आता 34D, तो आप लिखते A-4D = 0, तो A की वैल्यू आती 4D, ठीक है। नाउ A की वैल्यू अगर 4D है यहाँ पे पुट करोगे, तो देखो मैं इस लाइन को पूरी को हटा लेता हूँ एक बार, आप बताओ क्या लिखोगे, जल्दी से बताओ, मैं हटा रहा हूँ इसको। अब आप मुझे कहोगे सर देखो A+2D है, तो मैं लिख सकता हूँ 4D+2D अपॉन 2 × A, तो दैट इज 4D × 2 8D+9D, तो ऊपर होता 6D,
अपॉन नीचे होता 17D, डी से डी कट जाता तो ओनली 6/17 आता। क्लियर है यार, छोटी छोटी गलतियाँ हो गई कई बार, स्टार्टिंग में ही हो गई थी, बट कई बच्चे तो चले गए होंगे, जो बचे उनको थैंक यू और ट्रस्ट करने के लिए कि सर लास्ट में सही करवा देते हैं। ओके चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक बेस्ट ऑफ लक, डू द प्रैक्टिस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।